नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। आज का उपाय है, ध्यान से नोट कीजिए, आज हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर 2019 के उपाय की। आज का उपाय है कि क्या कभी आपने किसी गरीब को उपहार दिया है? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आपने किसी गरीब को उपहार दिया है या मात्र दान ही दिया है? आज आप किसी गरीब को उपहार देंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे बर्तन हो, चाहे पैसे हो, कुछ भी गिफ्ट देंगे। यही आज आपका उपाय है। कोई एक उपहार जब आप किसी गरीब को देंगे तो परमात्मा आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी किस्मत में वह सब लिख दिया जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज आप उपहार देंगे, वह उपहार बर्तन के रूप में हो सकता है, वह उपहार घड़ी के रूप में हो सकता है, वह उपहार कपड़ों के रूप में हो सकता है, वह उपहार ब्लैंकेट यानी कंबल के रूप में हो सकता है, वह उपहार चॉकलेट कोई खाने की वस्तु के रूप में हो सकता है, वह उपहार कैप सिर पर टोपी डालने वाली हो सकती है, वह उपहार जूता हो सकता है, वह उपहार कुछ भी हो, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप उपहार समझ कर दें। ये सोच कर मत दें कि हम दान दे रहे हैं, ये सोच कर दें कि हम उपहार दे रहे हैं। आज आपने ये उपहार किसी गरीब को देना है। देखिए परमात्मा कैसे आपको शक्ति देते हैं, कैसे आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिख देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत में लिखे दुख समाप्त हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आप चारों तरफ से सुखी हो जाएं, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी हो जाए, यदि आप चाहते हैं परमात्मा भी आपको उपहार दे, तो आप किसी गरीब को उपहार दीजिए। कुछ दिन पहले मुझे 20-25 मैसेज आए थे कि हम परमात्मा से गिफ्ट लेना चाहते हैं, कैसे मिलेगा? तो मैं सोचने लगा कैसे मिलेगा। मैंने परमात्मा के आगे रख दिया कि आप अपने भक्तों को कैसे गिफ्ट दोगे, तो जवाब में यही आया कि जब भक्त गरीबों को गिफ्ट देंगे, गरीबों को उपहार देंगे, तो वह परमात्मा भी आपको उपहार देगा। यदि आप परमात्मा से उपहार स्वरूप अपना घर चाहते हैं, यदि आप परमात्मा से उपहार स्वरूप कुछ भी चाहते हैं, तो आप कुछ भी उपहार दीजिए। ये नहीं है कि आपने वैसा ही उपहार देना है, कैसा भी उपहार दीजिए, देखिए परमात्मा आपको उपहार देंगे, परमात्मा आपको गिफ्ट देंगे। आप दूसरों को खुश करेंगे, परमात्मा आपको खुश करेंगे। तो उठिए, आज का उपाय ऐसे ही करना है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा।
यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।